आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्री बिल्ट थीम यूज करने वाले हैं, उसके अंदर प्री बिल्ट टेम्पलेट्स होंगी, उन टेम्पलेट्स को हम किस तरह से इम्पोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स विजिट्स को यूज़ करते हुए एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। वो अब तक जो भी हमने काम किया वो हमने मैन्युअली किया, मतलब कोई स्पेसिफिक थीम या प्री बिल्ट जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ नहीं किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्री बिल्ट थीम यूज़ करने वाले हैं, उसके अंदर प्री बिल्ट टेम्पलेट्स होंगी, उन टेम्पलेट्स को हम किस तरह से इम्पोर्ट करेंगे और विद इन 5 मिनट्स आप किस तरह से एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें आज के लेक्चर में ये देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊँ तो ये बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, मतलब फ्रेशली वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ पड़ा, बिल्कुल साफ, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थीम यूज़ करने जा रहे हैं, फ्री का थीम जो के है एस्ट्रा, राइट। तो मैं सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक थीम है हमारे पास जिसका नाम है एस्ट्रा और ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा थीम है हमारे पास। तो मैं जस्ट सिंपल इसको इंस्टॉल करूंगा और इंस्टॉल करने के बाद इसको सिंपल एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आई हैं जो कि हमें फुलफ़िल करनी है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा और उसके बाद हम इस पे काम करना शुरू करेंगे, राइट। तो इसने आई गेस कर दिए हैं लेकिन ये ब्लैंक शो करवा रहा है, तो मैं इसको दोबारा से WP एडमिन पे ले जाऊँगा। तो हमारे जो भी नेसेसरी जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं प्लगइन्स। अब आप पेरेंट्स के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट्स एस्ट्रा ऑप्शंस होंगे। हमने थीम इंस्टॉल किया, उसके साथ जो प्लगइन्स थे, जो इंस्ट्रक्शन थी उनको इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया और उसके बाद अपेरेंस के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आ गए स्टार्टर टेम्पलेट्स का। तो सिंपल हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। तो इस एक थीम के अंदर, ये फ्री थीम है, इसके अंदर प्रीमियम टेम्पलेट्स भी मौजूद है और फ्री टेम्पलेट्स भी मौजूद है। राइट नाउ हम फ्री टेम्पलेट यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा बिल्ड अ वेबसाइट और यहाँ पे क्लिक करूँगा एलिमेंटर, क्योंकि हम एलिमेंटर बिल्डर यूज़ कर रहे हैं। तो एलिमेंटर बिल्डर पे जो भी टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है इनको हम यूज़ नहीं कर सकते फ्री वर्जन के अंदर। और यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है डिज़ाइंस। और यहाँ पे देखें बहुत सारे हर कैटेगरी के अंदर फ्री डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोफेशनली डिज़ाइन आपको यहाँ से प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, राइट। तो अभी लेट्स से हमने क्या करना है, हमारे पास हमारे क्लाइंट है, वो हमें कह रहा है हमें मुझे कोविड के रेलिवेंट एक वेबसाइट चाहिए। तो मेरे सामने यहाँ पे एक जो है ये हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है प्री बिल्ट, सिंपल इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये टेम्पलेट आपको दिखाएगा कि ये आपकी वेबसाइट पर लगने के बाद किस तरह से शो होगी। तो आपने सिंपल इसका यहाँ से बेसिक सा प्रीव्यू देख लेना है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएगी विद इन वन क्लिक, राइट। तो ओके, यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे ये लोगो है, अगर आप अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर दें, वो ऑटोमेटिकली इसको रिप्लेस कर देगा, राइट। तो इसको आप बाद में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप एंड कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। अब मुझे कुछ कलर्स चूज़ करने हैं, लेट्स सपोज अभी डिफ़ॉल्ट कलर्स ये हैं, मैं इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से मैं ये चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली जो है हमारे कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखें तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर जो भी फॉन्ट यूज़ हुए हैं उनको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं भी इनको एज इट इज़ रहने दूंगा क्योंकि ये अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ पड़ा है। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होंगी जिनको मैं बिना दिए यहाँ से क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट कर सकता हूँ, राइट। तो
यहाँ पे ये थोड़ी देर लेगा और उसके बाद ये बेसिकली कर ये रहा है कि जो टेम्पलेट हमने देखी थी उसको एज इट इज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी एज इट इज़, जस्ट हमें क्या करना होगा, उन डिज़ाइंड पेज को एडिट विद एलिमेंटर करके अपना कॉन्टेंट डालना होगा, या जो भी क्लाइंट हमें कॉन्टेंट देगा सिंपल हमने वहाँ पर वो कॉन्टेंट पेस्ट कर देना है। तो इतनी सी बात है। और वहाँ पर उस प्री बिल्ट टेम्पलेट के अंदर कोई सेक्शन हमें नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर सकते हैं, कोई मजीद सेक्शन ऐड करना है उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट जो है वो विद इन 25 सेकंड्स रेडी हो चुकी है। अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो URL है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल कमाल अच्छे तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसके अंदर से जो चीज़ें भी हमें चेंज करनी है वो यहाँ से हम सिंपल क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, और इनके अंदर से जो भी चीज़ें हमें रिप्लेस करनी होंगी वो रिप्लेस कर लेंगे, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर देंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद ओके, ये एडिट विद एलिमेंटर कर लिया। तो सिंपल जैसे लेट से यहाँ पे सेव योर लाइफ सेव ईच अदर, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोविड 2022, सॉरी ओके, और मैं यहाँ पे एक BR टैग दे देता हूँ। BR का मतलब ब्रेक, मतलब जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो हो जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें, जिस तरह से आप एलिमेंटर यूज़ करते हैं, ये ऑलरेडी प्री बिल्ट जो है हमारे पास डिज़ाइन आ चुका है। इसके अंदर जो कुछ भी आपने रिप्लेस करना है जस्ट सिंपल क्लिक करें और उसको रिप्लेस कर दें। अगर थोड़ा बहुत ट्विक करना है तो इन ऑप्शन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, उनको यूज़ करते हुए इसको आप सिंपल जो है चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, लेट्स से मुझे यहाँ पे ओनली 3 सेक्शन चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 सेक्शन और इनको मैं चेंज कर दूंगा। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे 9 सेक्शंस चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे देखिए उस तरह से आ गया। तो मतलब आप इससे सही तरह से सब तरह से खेल सकते हैं, आपको ऑलरेडी प्री बिल्ट जो है टेम्पलेट मिल गई। अब लेट्स सपोज ये इमेज मुझे चेंज करनी है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। ये हमारे पास रही कॉलम, और इसके बैकग्राउंड के ऊपर जाऊंगा, आई थिंक ये इसके बैकग्राउंड पे, राइट। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे इमेज है इसको मैं चेंज कर लूँगा सिंपल। जैसे मुझे किसी और इमेज से चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। कुछ अपलोड करना चाहें आप तो आप अपलोड भी कर सकते हैं कोई भी इमेज। तो लेट्स से मैं यहाँ पे फॉर द नाउ मैं यहाँ पे कोई भी इमेज चूज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाली इमेज चूज कर लेता हूँ। तो ये इमेज मैंने चूज कर ली, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे देखे बैकग्राउंड के ऊपर वही इमेज लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सिंपल यूज कर सकते हैं। अब ये वाला सेक्शन लेट्स से मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा सिंपल। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये मैंने होम पेज को एडिट करके दिखाया, अब मैं अपनी वेबसाइट को ज़रा देखता हूँ नॉर्मली, रिलोड कर लूँ इसको। तो यहाँ पे देखें हमने जो कुछ लिखा था वो इस तरह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये सारे पेजेस जो हैं ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो चुके हैं, सिर्फ आपने सिंपल इन पे एडिट विद एलिमेंटर करना और उनको चेंज करना है उनके टेक्स्ट को। लेट्स से ये वाला पेज आपको नहीं चाहिए तो आप पेजेस में जाके मेन्यू में जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर इसका नाम चेंज करना है मेन्यू में जाके इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उस टाइटल के अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं या उस पेज को थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं। मतलब यह है कि आपको स्टार्ट से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल ज़ीरो से सारी चीज़ें डिज़ाइन करने में। और यहाँ पे देखें प्रोफेशनली हमने सिंपल 1 क्लिक के ज़रिए प्री बिल्ट टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कर लिया अपना जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन।
तो ये आस्ट्रा थीम था। आस्ट्रा थीम बहुत ही पॉपुलर थीम है और बहुत ही अच्छा थीम है बिगनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं जिनको यूज़ करते हो आप किसी भी तरह के प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपनी या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम एक प्रीमियम थीम डाउनलोड करेंगे और उस प्रीमियम थीम को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करेगा और उसके ज़रिए हम उसमें जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं उसके ज़रिए जो वो काम करेगा तो उसके ज़रिए हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे बेसिकली। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।